हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयास किचन स्थान। आज मैं बनाने वाली हूँ कैबेज मंचूरियन। इस रेसिपी को आप बहुत आसानी से और बहुत ही कम समय पे बना सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पत्ता गोभी, कैबेज, इसको मैंने ग्रेट करके इसका जूस निकाल लिया है, साथ ही हम बारीक कटे हुए प्याज, अदरक, लहसुन, मिर्ची और शिमला मिर्च ले लेंगे। इसके साथ हम टोमेटो सॉस, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस और साथ ही विनेगर। साथ में हम लेंगे कॉर्नफ्लोर और थोड़ा सा मैदा। इसके बाद हम अदरक और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लेंगे और स्वाद अनुसार नमक लेंगे। सबसे पहले हम कद्दूकस किए हुए पत्ता गोभी में अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और साथ ही मैदा, और उसके बाद हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, स्वाद अनुसार नमक, और उसके बाद उसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इसको अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इससे छोटे छोटे हिस्सों से बॉल तैयार कर लेंगे। इस तरीके से हम सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेके इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। दूसरी तरफ हम पैन हीट करेंगे और उसमें फ्राई करने के लिए ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के गर्म हो जाने के बाद हम एक एक कर बॉल्स को इसमें फ्राई कर लेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। इसके ब्राउन कलर हो जाने के बाद दोनों तरफ से अच्छे से ये पक जाएंगे और इसे हल्का हल्का चलाकर कुछ देर बाद इसे हम निकालेंगे। अब तैयार करेंगे हम ग्रेवी। दूसरी तरफ मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है, इसमें मैंने सबसे पहले प्याज ऐड किया। प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें बारीक कटी हुई लहसुन, मिर्ची और अदरक ऐड करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे और इसे भी एक दो मिनट तक भून लेंगे। इसको अच्छे से भून लेने के बाद हम टोमेटो सॉस, रेड चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, ये चारों इसमें ऐड करेंगे और इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। उसके बाद हम कॉर्नफ्लोर से तैयार किया हुआ मिश्रण ऐड करेंगे और इसे एक मिनट चला लेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसे बॉईल करने के लिए छोड़ देंगे। पानी के बॉईल होने के बाद हमारी ग्रेवी गाढ़ी होना शुरू कर देगी। उसके बाद हम इसमें मंचूरियन बॉल्स ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। लगभग 2-3 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता ऐड करेंगे। इसे फिर से हम चला लेंगे और गैस की फ्लेम को हम अब ऑफ कर देंगे। तैयार है छट से हमारा कैबेज मंचूरियन। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।